इट्स ओके। एक पर्सन है, उन्होंने अपनी वाइफ से एक बात कही, एक बात पूछी कि क्या मैं दूसरी शादी कर लूँ। वाइफ ने बोला यस कर लो। तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि क्या वाइफ की मर्जी से, यानी कि पति ने बोल दिया कि आप दूसरी शादी कर लो, तो क्या पति दूसरी शादी कर सकता है, यस और नो। सो लेट्स स्टार्ट इट इंट्रो। Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Okay, तो सबसे पहले ये चीज डिपेंड करती है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो। अगर आप एक मुस्लिम पर्सन हो तो आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। बट इफ़ यू आर हिंदू, अगर आप एक हिंदू हो तो भले ही आपकी वाइफ आपको मर्जी दे दे, आपको सहमति दे दे कि जाओ आप दूसरी मैरिज कर लो, तो वाइफ के बोलने से कुछ नहीं है। हमारा इंडियन लॉ IPC 494 ऑफ IPC इस चीज़ के लिए कभी भी हाँ नहीं करता। यानी कि 494 अप्लाई होती है कि अगर आपकी पत्नी जीवित है, आपके साथ रहती है और आप दूसरी मैरिज कर लो बिना डाइवोर्स के और ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो एक क्राइम होता है। इसमें 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। जनरली डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन थी, क्या सरकमस्टांसेस थी। गॉट इट। अगर दूसरी शादी करनी है तो पहले आप डाइवोर्स लीजिए, फिर आप दूसरी शादी के लिए अप्लाई कर सकते हो। गॉट इट। तो वाइफ की मर्जी देने से कुछ नहीं होता, वो कुछ भी कह दे आप कुछ भी नहीं कर लोगे। इंडियन लॉ है, लॉ के हिसाब से चलिए। गॉट इट। सो आई होप यू विल नॉट फॉलो दिस टाइप ऑफ स्टेप ऑफ सेकेंड वाइफ। ओके, सो बाय।